अपने पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने कई चुनौतियों का सामना किया और टीम उत्तर प्रदेश ने नई संस्कृति तैयार करके यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया जा सकता है। योगी सरकार ने जटिल मुद्दों को सुलझाने के तीन नियम बनाए, संवाद, सहमति और समाधान। इसी नीति की बदौलत अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण और सड़कों पर नहीं बल्कि मस्जिद में संपन्न हुई। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउडस्पीकर के बारे में बयान दिया, उसके पहले खासतौर से सबसे पहले गुरु गोरक्ष पीठ में वहां के लाउडस्पीकर धीमे करवाए और वहां के लाउडस्पीकर को भी सबसे पहले प्रभावित किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम आधार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए। लाउडस्पीकरों पर कानूनी एक्शन, सड़कों बाजारों में नमाज पर रोक, ये इतने संवेदनशील मुद्दे हैं कि हिंसक विस्फोट का खतरा है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारें इन पर कोई फैसला लेने से बचती हैं। लेकिन योगी सरकार ने इस पर कानूनी दायरे में रहकर फैसला भी लिया और अमल भी कराया। यहाँ पे दो शिफ्ट में यहाँ पे नमाज हो रही है और क्लियर कट जो भी शासन की गाइडलाइंस थी कि रोड पे नमाज नहीं होगा, सभी ने इसका स्वागत भी किया है और सभी धर्म गुरुओं ने हमें रिटर्न में भी दिया था कि जो भी नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद में पहली जो शिफ्ट थी इनकी हुई ख़त्म हुई है, दूसरी शिफ्ट अभी इनकी शुरू होने जा रही है। तो इस तरह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो रहा और मस्जिद के अंदर हो रहा। ये आदेश पहले भी जारी होते थे, ये ठीक है कि उन्होंने उतरवा दिया और योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद भी थी कि क्योंकि माइक ये जो लाउड स्पीकर्स हैं ये अधिकतर मस्जिदों पे लगा करते हैं ट्रेडिशनली, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये बात सही है कि आज के डेट में उसकी ज़रूरत नहीं है जब घड़ियां हैं और फोन्स हैं सब कुछ है, लेकिन वो एक ट्रेडिशन था, चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सड़क पर नमाज पर कानूनी पाबंदी से सांप्रदायिक तनाव भड़कने का खतरा भी था, लेकिन योगी सरकार ने कानून का पालन भी कराया और शांतिपूर्ण माहौल भी बनाया। बागपत से बलिया तक अलविदा जुमे की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों ने मस्जिदों का रुख किया। न विवाद, न सियासी घमासान, सब कुछ इतना आसान। रास्ता वही अपनाया गया, संवाद से सहमति और सहमति से समाधान। आप देखेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल है और लाउडस्पीकर के सिलसिले में जो डायरेक्शन और जो हिदायत जारी हुई हैं उसका पूरा पासो लिहाज रखा गया है। और इस मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद ईदगाह में जहां पर आप देखते थे कि सामने लाउड स्पीकर लगे रहते थे, ऊपर की मीनार के जानिब वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। लाउड स्पीकर से नमाज के लिए मना नहीं है, जो गवर्नमेंट का आदेश है वो ये है कि अजान में आवाज़ लाउड स्पीकर की इतनी रखी जाए कि वो मस्जिद से या थोड़ा बहुत जो उसका एरिया है उससे बाहर ना जाए और मस्जिद के हद के अंदर मतलब उसकी आवाज़ रहे, किसी को दूसरों को उसकी तकलीफ ना हो उसके आवाज़ से, ये आदेश है उसका और उसका पालन किया जा रहा है। आवाज माइकों की कम कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया था। यहाँ 46 कंपनी पीएसी के और 7 सीआरपीएफ लगाए गए। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील माना जहाँ भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई, साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश में 19,949 मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। इसके लिए 29,806 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एडवाइजरी जारी की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं को संवाद से विश्वास में लेने का ही नतीजा रहा कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में रहा। हाँ, ये माइक सब उतरवा दिए गए हैं और उस सिलसिले के अंदर जो है वो सब लोगों को इत्तला दे दी गई है और लोगों को इत्तला दी जा रही है। देश की ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाजी दशकों से उमड़ते रहे और भीड़ बढ़ने पर नमाज शहर की सड़कों पर होती रही। यूपी में इस बार नजारा कुछ अलग रहा, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में वही पुराना तरीका। देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जयपुर का मशहूर जौहरी बाजार है। ये जौहरी बाजार है, यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर ये बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इस बंद बाजार पर अभी अभी जो अलविदा की नमाज है वो खत्म हुआ है और ये चौपड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये सामने हवा महल है। ये पूरा इलाका जो है अभी बंद कर दिया गया था और पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बड़ी संख्या में लोग पूरे
जयपुर शहर से आकर यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। आप ये बताइए कि इस तरह से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बहुत ज्यादा आपत्तियां आ रही है लोगों की। भैया जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग, मैं मानता हूँ इंसानियत के नाते कुछ नहीं है उन लोगों में। सांसद से योगी मुख्यमंत्री बने तो कड़क प्रशासक की छवि गढ़ी, और इसी छवि की बदौलत बात बात पर सांप्रदायिक तनाव भड़कने वाले उत्तर प्रदेश की छवि भी बदली है। तस्वीर है बदलाव, इस बदलाव का साक्षी पूरा देश बना। हिंदू नववर्ष के दिन से हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं के दौरान देश के कई राज्यों में हिंसक झड़प हुई, आगजनी हुई, सांप्रदायिक तनाव भड़का, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश ने भाईचारे सौहार्द की मिसाल पेश की। उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकली, तनाव पथराव तो दूर की बात, कहा सुनी तक की खबर नहीं आई। चौकस चौकन्नी कानून व्यवस्था का असर और योगी की छवि का असर ही कहिए कि देश भर की अशांति पर यूपी की शांतिपूर्ण यात्राओं ने सुर्खियां बटोरी। त्योहारों पर शोभा यात्रा निकली तो दिल्ली दहली, करौली में सांप्रदायिक घृणा का कोहराम मचा, मध्य प्रदेश का खरगोन जला, गुजरात के खंबात शहर में दो समुदायों के बीच विवाद की चिंगारी भड़की, झारखंड के लोहरदगा में भी दो समुदाय आपस में भिड़े। देश के 9 राज्यों से एक जैसे समाचार आए, त्योहार धार्मिक शोभा यात्राएं कहां सुनी, तनाव पथराव हमले आगजनी। जिन 14 दिनों में देश के 9 राज्य सांप्रदायिक हिंसा की आंच में झुलसे, उन्हीं 14 दिनों में चर्चा ये भी रही कि शोभा यात्राएं तो उत्तर प्रदेश में भी निकली, ना हिंसा हुई ना पत्थर बरसे, बरसे तो फूल, हाथ बढ़े तो सौहार्द की, सहयोग की, तालमेल और भाईचारे की। सोलह अप्रैल को जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट हो गई, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किए गए। उसके अगले दिन जब नोएडा में शोभा यात्रा निकली तो मुस्लिम भाइयों का शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जूस पिलाना समाचार बना। गाजियाबाद मुरादाबाद सहित कई शहरों में मुसलमानों ने शोभा यात्रा का स्वागत फूलों से किया। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर विगत वर्ष में भी जब योगी सरकार थी और इस टर्म सेकेंड टर्म में भी आई है तो इसका असर तो वास्तव में दिख रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। प्रशासन और शासन के स्तर पर इस तरह के काम अच्छे हैं जिससे कि माहौल खराब ना हो। शोभा यात्रा में या किसी भी हिंदू धार्मिक जुलूसों में मुसलमानों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, ना कोई विरोध किया, ना पत्थर फेंका। इससे पहले पूर्व में समाजवादी सरकार में हमेशा हिंदू जुलूसों पर अतिक्रमण होता था, पत्थर फेंका जाता था। इससे मालूम चलता है कि योगी जी का लॉ एंड आर्डर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू है। सरकार इसीलिए होती ही है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पूरी तरह योगी जी की इमेज का असर है, योगी जी की कड़क स्वभाव तुरंत आर्डर की वजह से आज वो हिंदू सभा यात्रा मुस्लिम एरिया से सुरक्षित निकल जा रही है। जब दूसरे राज्यों से हिंसा की खबरें आ रही थी तब योगी आदित्यनाथ अपनी प्रशासनिक मशीनरी के कील कांटे दुरुस्त कर रहे थे, जिला अधिकारियों पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। उनका निर्देश था कि पथराव रोकने हिंसा रोकने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। प्रशासन और कानून की मिली जुली युक्ति तैयार की है योगी ने, वो योगी जी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। यूपी में शांति कायम रहना बताता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरे मुख्यमंत्रियों के सामने एक लंबी लकीर खींच दी है। योगी जी का इमेज भी है, योगी जी का कुशल प्रशासन भी है, और योगी जी की योग्यता भी है, योगी जी का टाइट और कुशल कह लिया जाए कि जो उनका एक प्रभाव है आम जनता पर, उसके चलते हुए किसी तरह की हिंसा ना होना, यानी हिंदू मुसलमान हर कम्युनिटी के बीच में योगी जी का सम्मान है। योगी जी की बुलडोजर नीति तो पूरे देश में फैल चुकी है, और वास्तव में कानून को कानून के हिसाब से ना चला करके महाराज जी ने, जो योगी जी को महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, उसको उन लोगों उन्होंने परिलक्षित किया कि कैसे अगर आप समाज में गुंडई करते हैं, समाज में कोई ऐसी बात करते हैं, उसका प्रतिफल आपको तुरंत मिले।
योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार और अब तक के शासन में ये रिकॉर्ड रहा कि कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ। देखिए योगी जी का टेलर भी है, प्लस दूसरी बात योगी जी शुरू से ही ध्यान रखे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है हर स्थिति में बहाल रहे, समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो यहाँ तक कि हर जिले में मंत्री भेज रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान कहीं हिंसा नहीं भड़की, ये इनके इमेज का ही असर है। योगी के इमेज का असर और शासन की व्यवस्था जिसको कहा जाए उसके चलते जो है ये हिंसा नहीं हुई और लोग काफी, मतलब जो हिंसा करने वाले थे डरे हुए थे कि अगर कहीं हमने कुछ किया तो फिर योगी का बुलडोजर जो है उनके मकान पर गिर जाएगा। योगी जानते हैं कि हिंसा भड़की तो उनकी छवि को नुकसान होगा। यूपी का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से बिगड़ी छवि का नुकसान अखिलेश यादव को 2017 और 2022 में भी चुकाना पड़ा है।